Whatever I see, I'll remember you. If you remember me. Hello and welcome to Premier Visa Consultancy. आज इस वीडियो में मैं आपको उन 10 कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहां पर आप इन्वेस्ट करके वहां का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं. और इस वीडियो में मैं जो आपको कंट्रीज की लिस्ट बताने जा रहा हूं, वो लेटेस्ट लिस्ट है यानी 2019 की. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी. लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है. और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो उन्हें लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फिजी. फिजी जहां पर आप $125,000 रेजिडेंसी में इन्वेस्ट करके वहाँ का पीआर हासिल कर सकते हैं. और अगर आप वहाँ पर 5 साल गुजारते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. जिस पर आप 43 वीज़ा फ्री कंट्री और 24 वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं. नंबर 2 पर है कोलंबिया, जहाँ पर आप $1,50,000 इन्वेस्ट करके वहाँ की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं. या सिर्फ $23,000 कोलंबियन बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी आप वहाँ की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं. जिस पर 95 वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं और 23 वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ शामिल हैं. नंबर 3 पर है डोमिनिकन रिपब्लिक, जहाँ पर आप $2,00,000 इन्वेस्ट करके सिर्फ 3 महीनों में आप जो है डायरेक्ट पासपोर्ट वहाँ का हासिल कर सकते हैं. और इसके लिए आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है. और वहाँ पर जो उनका पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं. इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो वो है पनामा. वहाँ पर आप $2,00,000 इन्वेस्ट करके वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं और मोर देन 100 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं. उसके बाद नंबर 5 पर है सेंट लूशिया, जहाँ पर आप $3,00,000 इन्वेस्ट करके वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं. और नंबर 6 पर है ग्रीस. ग्रीस में आप $3,00,000 इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको वहाँ का पासपोर्ट इशू कर देंगे. और जिस पर आपको कनाडा और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ भी वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की इजाज़त देती हैं. उसके बाद नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर है हंगरी, जहां पर $3,56,000 यानी $3,56,000 इन्वेस्ट करने पर आप वहां की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं. नंबर 8 पर है बेल्जियम, जहां पर आप $4,16,000 इन्वेस्ट करके वहां की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं. और नंबर 9 पर है, नंबर 9 पर 2 कंट्रीज़ हैं जिनके सेम हैं, वो है सेंट किट्स एंड नेविस और एंटीगा एंड बारबुडा, जहां पर आप $4,00,000 इन्वेस्ट करें तो वो आपको अपना पासपोर्ट इशू कर देते हैं. और उसके बाद जो सबसे एंड पर नंबर 10 है वो है यूएसए. जी हाँ, यूएसए, जहां पर आप $5,00,000 इन्वेस्ट करके आप वहां का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं. और अगर आप उसके बाद वहाँ पर 5 साल स्टे करते हैं, वहाँ पर गुजारेंगे, तो आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. तो ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जो आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद अपनी सिटीजनशिप जो वो देते हैं. और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.